A man who lost his job in COVID-19 won a million prize lottery ticket. एक खबर आ रही है, एक person जो कि Indian है, अपनी job खो चुके थे COVID-19 के चलते, लेकिन उन्हें एक lottery ticket से अब 1 million rupees मिले हैं as lucky draw. क्या है पूरी खबर, मैं आप लोगों को बता दूँ. Indian man who lost his job due to COVID-19 wins 1 million लॉटरी इन UAE. ये खबर आ रही है और जिनको मिला है उनका नाम है नवनीत सजीवन. नवनीत सजीवन वन द मेगा प्राइज मनी इन द दुबई ड्यूटी फ्री मिलियनेयर ड्रॉ हेल्ड ऑन संडे इवन वाइल सर्विंग हिज नोटिस पीरियड आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब इन UAE. ये खबर आ रही है. 30-year-old अनएम्प्लॉयड इंडियन मैन वन 1 million इन ए रफाल ड्रॉ कॉन्टेस्ट इन द UAE अकॉर्डिंग टू अ मीडिया रिपोर्ट. ये खबर आ रही है. ये खबर गल्फ न्यूज़ और news18.com के हवाले से आ रही है. नवनीत सजीवन इनका नाम है. वन द मेगा प्राइज ड्यूटी फ्री मिलेनियर ड्रॉ हेल्ड ऑन संडे. सजीवन हु लिव्ड इन अबू धाबी फॉर द पास्ट 4 years हैज बॉट द टिकट ऑनलाइन ऑन November 22. सजीवन अ नेटिव ऑफ कासरकोड इन केरला इज प्रेजेंटली सर्विंग हिज नोटिस पीरियड at his company. He was laid off last month as a part of cost measures at his firm in the aftermath of COVID-19 pandemic. Speaking to Gulf News, Sajeevan said, "It is unbelievable. I feel blessed and happy. I am sharing the prize with 4 other colleagues and friends. Still, I take home $200,000, which is a big amount." Sajeevan, who has a 1-year-old child, is the 171st Indian national to win the DDF Mega Prize. ये गल्फ न्यूज़ के हवाले से ये खबर आ रही है. और अब मैं आप लोगों के साथ कुछ देर में कुछ और न्यूज़ के साथ जुड़ूंगा. फ़िलहाल के लिए इतना ही. धन्यवाद.